में वही किरदार है जो इश्किया में था। फर्क यह है कि कुछ साल बीत गए और थोड़ा सा और वो ज़यीफ़ हो गया और थोड़ा सा अलील हो गया, यानी कि बीमार। और शायरी का शौक़ है और इश्किया मिजाज तो उसका हमेशा से ही था, तो वो तलाश रहा है किसी महबूब को और इत्तेफाक से उसे वो मिल जाती है। तो बाकी जो होता है वो मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना यकीन दिलाऊंगा कि बहुत बेहद मज़ेदार कहानी है और हर मोड़ पे एक कहते हैं जितना पहले जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत करीबी दोस्त हो गए, लेकिन यकीन मुझे इस बात का है, एक दूसरे को हम चाहते बहुत हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर दो ऐसे एक्टर्स मिल जाएं जिनको कोई डर नहीं है दूसरे का और जिनको इस बात का भी डर नहीं है कि मैं भारी पड़ूंगा या हल्का, क्योंकि ये एक फजूल का डर होता है बहुत सारे एक्टरों को, तब तो बहुत मज़ा आता है। और यही तजुर्बा मेरा माधुरी जी के साथ भी हुआ, क्योंकि वो भी मैं तो उनका फ़ैन रहा हूँ, हालांकि मैं उनसे सीनियर हूँ, लेकिन उनके काम को मैंने हमेशा सराहा है। राइट कर दी और उनके साथ भी काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, और ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में बेहद मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री इसी को कहते हैं। राजकुमार नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी रोमांटिक रोल था, और गजगामिनी जो हुसैन साहब की फिल्म थी उसमें भी मैं पेंटर बना था, मैं हुसैन साहब बना था बल्कि जो माधुरी को पेंट कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो रोमांस है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा ऑडियंस को। मुझे तो ज़िंदगी से बेहद मोहब्बत है और ये जो कि जो जो डायलॉग मैं बोलता हूँ वो मेरे अपने लिखे हुए नहीं होते उन डायलॉग को सच्चाई से सुनने वाले तक पहुँचाना मेरा काम है, मैंने वो लिखे नहीं है, वो मेरे दिल के अंदर जो चल रहा है उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो एक लेखक और एक डायरेक्टर के जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं एज एन एक्टर। उर्दू शायरी मुझे देन में मिली थी जब मुझे मिर्ज़ा गालिब का रोल मिला, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था उर्दू शायरी के बारे में उससे पहले, तो गुलजार भाई के सर जाता है ये सेहरा कि उर्दू शायरी से मेरा तारुफ उन्होंने करवाया, और उसके बाद मैंने अपने आप खुद इल्म हासिल करने की कोशिश की उर्दू ज़बान में और उर्दू पढ़नी और लिखनी सीखी। बोलता तो मैं बचपन से था लेकिन पढ़ना नहीं आता था उर्दू, अब आ गया है, और इसलिए भी उर्दू पढ़ना सीखा मैंने क्योंकि दुनिया का इतना कलाम है जो अगर आपको उर्दू ज़बान पढ़नी ना आए तो आप पढ़ नहीं सकते। माधुरी जी के साथ डांस करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। अब ये तो फिर आप पर्दे पर ही देखिए ना कि बंदूक उसके हाथ में क्यों है और मेरे हाथ में क्यों है। बंदूक का बहुत अहम रोल नहीं है इस फिल्म में, और बहुत सारी चीज़ों का है, बंदूक कभी कभी ही आती है जी। नहीं, वो बहुत ही सीरियस प्रोफेशनल किस्म की लड़की है, बहुत अच्छे मिजाज की है, बहुत सीधी है, मेहनती है। फिल्म कैसी है मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखी नहीं अभी तक।